हाय फ्रेंड्स, अगर आपके भी 5A का मोबाइल है उसमें अपार पे लॉक यानी कि पैटर्न या पासवर्ड कुछ भी लॉक लग गया है और आपको जो है हार्ड रिसेट करने के बाद अपार पे गूगल अकाउंट दिखा रहा है तो उसको कैसे आप रिमूव करिएगा, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, यह माइक्रो 2.282 का फोल्डर लोड करने का एक्सेप्ट करने के बाद आप जो ऐसी इंटरफेस आएगा, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। उसके बाद आप जो वहाँ पर देख सकते हैं, वेलकम पर जाइएगा, एक्सेप्ट पर जाइए। उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो यूनिवर्सल है आप यूनिवर्सल ही रहने दीजिएगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है इसको, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको पहले यूनिवर्सल कर देते हैं, उसके बाद इसका जो है पोर्टल यूज करेंगे जो कि वीवो जो है वीवो सेलेक्ट करेंगे, वेलकम सेलेक्ट करेंगे, सॉरी वेलकम का वेलकम नहीं सोमी सेलेक्ट करिए। उसके बाद जो है इसका ऑटो FRP लॉक पर जाइएगा, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं आकर आप उसे कीजिएगा, इसका मॉडल सेलेक्ट करना है। आप कहीं देख सकते इतना ही मॉडल है इसमें रहता है, आप इन मॉडल में से किसी भी मॉडल के FRP गूगल अकाउंट पैटर्न लॉक से ये सब जो आप रिमूव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं रेडमी 5A का जो है लॉक FRP रिमूव करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर 5A सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको MI अकाउंट अनलॉक भी सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिलहाल मेरा डिवाइस अभी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अब जो डिवाइस कनेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर जो आपको पोर्टल शो करेगा, ठीक है। तो पोर्टल शो करने के लिए आपको जो है डिवाइस को जो है आपको लगाना पड़ेगा, जो कि आपको ईडील पॉइंट से सेट करना है, उसके बाद ही काम करेगा। तो चलिए मैं आपको ईडील पॉइंट दिखा देता हूँ कैसे रहता है। बैक पैनल खोलने के बाद दोनों को बैटरी निकाल करके शॉर्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पोर्टल शो ले लेगा और ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर